खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया जिला चिकित्सालय दलालों का अड्डा बन गया है। जिला चिकित्सालय के काउंटर पर दलालों का कब्जा बना हुआ है। पर्ची काउंटर पर महिला से लेकर पुरुषों की दलाली चरम पर है। आप गौर से देख सकते हैं कि मरीजों के परिजन पर्ची लेने के लिए काउंटर पर जा रहे हैं, तभी दलाल पर्ची काउंटर से ही मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों पर ले जाने में सफल हो जा रहे हैं। जरा गौर से देखिए, इस शख्स को मरीज के परिजनों को लेकर प्राइवेट अस्पतालों में ले जा रहे हैं, वही कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। इन महिलाओं को देखिए, जब कैमरा चलने लगा तो अपने मुंह को छुपाकर भागने लगती हैं। वही डॉक्टर जहां बैठते हैं, वही एक दलाल डॉक्टर साहब की पर्ची लेकर आया था। जब लोगों ने पूछा तो कहा कि सरकारी पर्ची है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ले जाकर रख दीजिए, मैं उनके साथ रहता हूँ। वीओक मरीज के परिजन ने यह आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल में अपने मरीज को लेकर आए थे, हमारी पत्नी यहाँ पर खड़ी थी। वही महिला ने कहा कि चलिए मैं आपको चेक करवा दूँ। पूछा तो बताया कि चलिए मैं चेक करवा दूँ, मैंने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ प्रशासन के लोग रहते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। कल भी यह महिला थी और आज भी है। वीओक जब इसकी जानकारी सीएमएस से ली गई तो उनका कहना है कि इसके लिए हमने लिखित शिकायत कोतवाली को दी है, जहां हॉस्पिटल में ही पुलिस चौकी बनाई गई है। इसके लिए पुलिस को मैंने फ़ोन भी किया है और उनको कहा भी गया कि अगर ऐसे लोग हैं तो पकड़े और उनको लेकर जाएं। इतने बड़े अस्पताल में जहां 2000 से 2200 मरीज आते हैं, मैं तो इतना इंक्वायरी नहीं कर सकता, लेकिन हर जगह होमगार्ड और पुलिस के लिए भी कह दिया हूं, मैं समय समय पर दौरा करता हूं। साहब ने तो पल्ला झाड़ लिया और जिला चिकित्सालय की सारी जिम्मेदारी पुलिस पर सौंप दी, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। साहब के हॉस्पिटल में दलाल सक्रिय हैं और सीएमएस साहब कुर्सी पर बैठकर आराम फहरा रहे हैं। या दलालों पर कसेंगे नकेल, या योगी सरकार में दलालों की होगी बल्ले बल्ले। हम साथ साथ आपके साथ हैं। क्या पर्चे क्या आपका, आपका पर्चे क्या है? अरे हम तो रहते हैं, आते हैं ड्यूटी। नहीं मैंने, किस पद पर आप हैं? हम पद पर नहीं हैं। कैसा कागज लिए हैं? हाँ, सर का क्या जिला अस्पताल में कर क्या रहे, मैंने किस कार्य सा है? किस सर का ड्यूटी देने वाला है? आप जिला अस्पताल में कार्यरत में क्या हैं? आप कार्यरत में कौन सा पद है आपका? सर मैं रहता नहीं हूँ। नहीं तो कैसा कागज आप लिए? हाँ सर, आप उनके कौन लगते हैं? किसके साथ में रहते हैं आप? सर कौन सर है ये? अनिल सिंह। क्या करते हैं यहाँ पे आप? क्या करते हैं? क्या देने जा रहे हैं? ये क्या है अभी आपके हाथ में, क्या है? किस तरह की पर्ची है? दिखाइए, पर्ची दिखाइए उसको, पूरा दिखाइए ना अच्छा से। आप कौन से पद पर यहाँ नियुक्त हैं? क्यों उन्हें पद पे नियुक्त हुए, कैसे आप सरकारी पर्ची को छूट दिए? सर बोले हैं देने। कौन सर बोला? वही बोले हैं। कौन सर, नाम बताइए। नाम बताइए ना, उनके घर के हैं? उनका नाम क्या है? घर के नहीं है, तब क्या कर रहे हैं आप? उनके प्राइवेट आदमी है कोई, क्या है आप? क्या नाम है आपका? नाम अपना बताइए। मनीष। कहाँ कराने वाले हैं? यही तो बोलिए। तो मनीष जी, अभी डॉक्टर साहब आपको कहाँ कहाँ भेजते हैं ले जाने वाले? देने के लिए सर बोला कि जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। ये कहाँ चला रहे हैं आप? बोले हैं आप डॉक्टर साहब के कौन लगते हैं? आपसे क्या उनका संबंध है? कुछ नहीं। मैंने उनका कागज क्यों लाया ये बताइए, आप डॉक्टर साहब के कौन हैं, क्या लगते हैं, क्या देते हैं वो आपको इसके लिए? नहीं उनका कागज नहीं है, उनका करते हैं। ज्यादा समय है क्या आपके पास? तो ऐसा क्या, ऐसे सरकारी कागज आपका लाने का अधिकार कौन किस इसका? ऐसा सरकारी कागज आप छू रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी कागज को छू रहे हैं, वही ला कर देंगे। कौन देखे उनका कार्य क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं कार्य क्या कर रहे हैं? कार्य भाई कार्य क्या कर रहे हैं पहले बताइए, पहले कार्य क्या कर रहे हैं पहले ऐसा सुनिए। आप भाग क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं आप? भाग क्यों रहे? आप भाग क्यों रहे बाबू? ये भाग क्यों रहे हैं? ब्रिजेश कहाँ से रहने वाले हो? करमर का। अभी कहाँ आए हैं आप? अभी तो सरकारी अस्पताल में हैं। जिला चिकित्सालय बलिया आए हैं। ये कैसी महिला थी और किस तरह की महिला है ये? कल मैं जा रहा था वहाँ पर, मेरा वाइफ यहाँ पर खड़ी थी जी, तो बोल रही थी चलिए हम चेक करवा दे रहे हैं आपको। हाँ।
और उसके बाद मैं उधर से आया तो मैं पूछा ये कौन है, तो मेरा औरत बोली कोई नहीं है जी। मैं बोला कि क्या आपको काम है, तो बोले चलिए मेरा परिचय मैं करवा दे रहा हूँ आपको। कहाँ ले जा रही थी कराने? अंदर में जी। मैं बोला कि मैं यहीं का हूँ, मेरे को किसी का सहारा नहीं चाहिए जी। जब सब ये प्रशासन वासन सब यहाँ पर है तो कोई हमको टेंशन नहीं है जी। उसके बाद मैं उसको वहाँ से खेदा हुआ चला गया। अभी कैसा साड़ी पहनी थी वो औरत जो चिन्हित आपने की थी? वो कल और काला और थोड़ा सफ़ेद था, चिटकावर था वो जी। और आज कैसा है? आज तो ध्यान नहीं दिया, आज तो ऐसा ही साड़ी। आखिर ये क्यों ऐसा करते हैं जिला चिकित्सालय में? हमको क्या है प्रशासन का। ये कैसी महिला थी? यही महिला है? यही महिला कल भी यही थी? यही महिला थी। आज क्या कह रही थी? आज नहीं यार, तो मैं कुल सर साहब को बताया कि सर यही कल हमको बोल, मेरा औरत को बोल रही थी कि चलिए आप मेरे यहाँ कोई क्या थोड़ा सपोर्ट है करवा देंगे जो करवाना था वो। मैं तो खुद परिवार को लोग इधर उधर लेकर घूम कर चल रहे ब्लड टेस्ट। सर अभी देखा गया एक महीना पहले भी एक सिकंदरपुर का मरीज आया था जो आपके सामने, मैं ही कहा वो कह रहा था गिरा के दलाल जो है जिला चिकित्सालय से हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों तक ले जा रहे हैं। आपने जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपका कहना था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और आज भी वही हाल है कि जो दलाल हैं मैं उनके खिलाफ चिट्ठी लिख चुका हूँ कोतवाली को, खत्म हो गया एसओ को, तीन चार बार उनको बता चुका हूँ, फोन भी कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ उनको जी। और साथ में उनको ये कहा गया है कि आप यहाँ पे जितने इस तरह के अवांछित और गंदे लोग हैं उनको आप पकड़े करोगे। अभी तक क्या जिला प्रशासन जो जिला प्रशासन है जिस आपने कोतवाली को तहरीर भी दी है, तो क्या अब तक इसमें दलाल पकड़ा गया है कि नहीं? जी हाँ, उन्होंने दो 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 तीन बार यहाँ पे एक चंदवली कौन सा लड़का यादव जो था कांस्टेबुल और एक चंद्रहास दो लोग थे, अभी इतना ट्रांसफर हो गए हैं, वो लोग लेके आए थे, वो सब भाग गए, वो सब अब नहीं दिखाई देते। डॉक्टर साहब यहाँ पे जो काउंटर जो आपकी पर्ची है वहाँ पे कई महिलाएं कई पुरुष जो थे ये पर्ची लेकर डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, और डॉक्टरों से फिर वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है तो वहाँ पे पर्ची जो रखी जा रही है वहाँ से गड़बड़ झाला किया जा रहा है पर्ची। अब इतने बड़े अस्पताल में इतने ज्यादा जो कि यहाँ पे 2000 से 2200 पेशेंट आते हैं, तो हर पेशेंट पे मैं इतना ज्यादा इंक्वायरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने हर जगह होमगार्ड और हर जगह पुलिस के लिए कह दिया हूँ, और अपने समय समय पे अपने दौरा करता, अभी मैं दौरा करके आ रहा हूँ और कल भी दौरा किया गया था, और मैं रोज एक से दो बार निकल के बाहर देखता हूँ।